जी हाँ, अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको उस तस्वीर से रूबरू जरूर कराना चाहेंगे जिसमें देख सकते हैं आप साक्षी मिश्रा के पति कोई और नहीं बल्कि अजितेश हैं। वो अजितेश हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं राजेश मिश्रा के साथ और राजेश के बेटे के साथ। जी हाँ, विकी मिश्रा के साथ। कभी विकी और राजेश के इतने करीब थे अजितेश। जी हाँ, अजितेश ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है कि विकी उसका दोस्त था, विकी से अच्छी खासी दोस्ती थी। राजेश को इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो उनके घर भी आया करता था, वो भी बिना कामकाज के। राजेश मिश्रा ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया कि उनकी बेटी से कोई ताल्लुक है अजितेश का, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। कामकाज के लिए मिला करते थे, विकी मिश्रा से इसकी अच्छी दोस्ती थी, इसकी उन्हें जानकारी थी। इसके अलावा उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो घर भी आया करता था। यानी कि राजेश मिश्रा को इसका अंदाज़ा नहीं था कि विकी मिश्रा और उसके दोस्त अजितेश के साथ बढ़ती दोस्ती कहीं ना कहीं साक्षी से अजितेश की रिश्ते की बढ़ती नज़दीकियों का कारण बन सकता है। खैर, इस बारे में जानकारी इंटरव्यू में दिया था इन्होंने। ये तस्वीरें हैं इस बात की गवाह हैं कि सच में अजितेश, राजेश और विकी एक दूसरे से मिला करते थे। इस तस्वीर को विकी मिश्रा ने सेल्फी के माध्यम से शेयर किया था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई जिसमें अजितेश और अपने पिता राजेश के साथ विकी काफ़ी खुश नजर आया। खैर, साक्षी का कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि उनके परिवार में अजितेश आना जाना करते थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा उनकी बातें होती थी। यानी कि ये रिश्ता आज नया नहीं बना, आज भले इन दोनों ने शादी कर ली हो लेकिन इनके बीच रिश्ता पुराना था। बताना चाहेंगे हम आपको इसी के साथ साथ कि राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने बीते 3 जुलाई की तारीख को घर से भागने के बाद शादी रचा ली थी। तब राजेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ लखनऊ काम के सिलसिले में गए थे और इसी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर साक्षी ने अजितेश के साथ शादी की। शादी का फैसला उन्होंने लिया था क्योंकि उनकी अगर माने तो उनके परिवार वालों ने उनके साथ भेदभाव किया था, उनकी पढ़ाई में रोक डाली थी और साथ साथ में उन्हें मोबाइल नहीं रखने दिया जाता था। साक्षी को अगर पढ़ने दिया जाता तो वो शादी नहीं करती, ऐसा साक्षी का कहना था। लेकिन साक्षी की इन बातों से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते उनके स्टेटमेंट को उनके परिवार वाले, बिल्कुल भी अग्री नहीं करते उनके परिवार वाले। एतराज़ जताते हुए परिवार में विकी मिश्रा और राजेश दोनों का ही यही कहना था कि उनकी बेटी गलत कह रही है। विकी ने तो स्टेटमेंट देते हुए रोना भी शुरू कर दिया था। तो वहीं राजेश ने कहा था वो अपने काम में अब व्यस्त हैं, उनकी बेटी अब उनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ चुकी है तो वो खुश रहें, उन्हें कोई परेशानी परिवार से नहीं होगी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।